लोकसभा चुनाव 2019 का काउंटडाउन है। लोगों के बीच जनता में चुनावी फीवर चढ़ चुका है और ऐसे में बात आज कोटा में मरुद्रा के मूड की करते हैं, कोटा के मूड की करते हैं। तो एजुकेशन हब कोटा, कोटा के मन को टटोलेंगे, कोटा के मूड को जानेंगे, कोटा के हर तबके के पास पहुंच करके जानेंगे कि 2019 में क्या है कोटा का मूड। मरुद्रा के मूड में बात कोटा की हो रही है तो कोटा की शुरुआत करते हैं, कोटा के मूड की शुरुआत करते हैं कड़के सेव के साथ में, जो कोटा की एक अपने आप में अलग पहचान है, अपनी एक खास पहचान ये सेव रखते हैं। और कोटा के कड़के सेव आपको दिखा देते हैं साहब, ये कोटा के कड़के नमकीन है। बड़ी भारी डिमांड होती है कोटा में इनकी। माना जाता है कि कोटा के टेस्ट की जो शुरुआत है, कोटा के जो दिन की शुरुआत है, वो इन कड़के सेव के साथ में ही होती है। और रामपुरा की जो बिल्कुल पुरानी गली में हम हैं, छोटी सी गली, सकरी सी गली, इस सकरी सी गली से इन कड़के सेव ने अपनी एक बहुत अलग जो पहचान है वो बनाई है। सैनी साहब हैं जिनकी बहुत पुरानी ये दुकान है और कड़के सेव के जो शौकीन है वो भी बहुत होते हैं लोग। इतनी पहचान है इन कड़के सेव की, सारे वर्ल्ड में जाते हैं, सारे जानते हैं इसको। टेस्ट में ऐसी क्या खासियत है जो ये तो देखो खाने वाला इस चीज को पहचान करता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको लेने? ये सभी जगह से आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, बेंगलोर में भी 30 किलो से गए थे 15-20 दिन पहले। एडवांस देके भी गए थे 1,000 रुपये और 8-2 दिन का नाम लेकर 15 दिन में आया था, लेके गया था 30 किलो से, 15 किलो पपड़ी 15 किलो से। कितना बड़ा कारोबार है साहब? बस सिंपल कारोबार, जो अपना काम हो जाता है उतना कर लेते हैं, बाकी बंद करते हैं। चलिए कुछ जो ग्राहक है उनसे भी बात करते हैं। कितनी क्या खासियत है साहब इन कड़के सेव की? कितना अलसी के तेल में बनाते हैं सेव और इनका बहुत ही प्योरिटी है, मतलब तेल की, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका। और अदर स्टेट्स में भी जाते हैं, हमारे रिलेटिव वगैरह जो भी बाहर रहते हैं वो मंगवाते हैं यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। क्या खासियत साहब जाएगी? स्वाद शानदार है भाई साहब, कोटा का टेस्ट क्या है? एक नंबर है भाई साहब, बोले पूरे कोटा में सबसे टॉप दुकान है। मैं छावनी रामचंद्रपुरा था, 3 किलोमीटर दूर से लेने आया हूँ। सर क्या खासियत है? खासियत तो ऐसी है कि आहड़ोती की धरती पर जो इन नमकीन में जो स्वादिष्ट पना है वो मैं समझता हूँ पूरे आहड़ोती में नहीं है। और ये जो है मोहनजी सेव वाले रामपुरा के मेन स्थित बाजार में जो स्वयं बनाते हैं, स्वयं उस बनाते समय बारीकी का ध्यान रखते हैं, मैं समझता हूँ और कोई ऐसा कारीगर ऐसा ग्राहक नहीं। दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं, इस स्वाद के जो लोग हैं वो दीवाने हैं, क्योंकि कोटा के जो कड़के सेव है उनकी जो बात है वो कुछ और है, बात निराली है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बात कोटा के मूड की हो रही है तो कोटा के व्यापारियों से क्यों चर्चा ना हो। कोटा के जीएमए प्लाजा में हम हैं और जीएमए प्लाजा के जो अलग अलग व्यापारी हैं वो हमारे साथ में हैं, जो अलग अलग अपना बिजनेस, अपना अपना कारोबार जो है वो करते हैं। और ऐसे में इनसे बात करके इनके मूड को टटोलने की कोशिश करते हैं। सब व्यापारी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि इस बार कौन से जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे, क्या जनता का जो मानस है वो लगता है, क्या चर्चाएँ रहती हैं बाजार में? पूर्व में लगभग 2 साल पूर्व जब नोटबंदी लागू हुई थी उस समय व्यापार में थोड़ा सा ठहराव आया, वो ठहराव निकला, उसके बाद GST की वजह से व्यापारी थोड़ा सा परेशान हुआ। किंतु जब व्यापारी को समझ में आया GST के जो शुरू में आदमी तकनीकी रूप से परेशान हो रहा था उन सभी से उसने निजात पाई और आज GST को आदमी व्यापारी अपने रूप से व्यवहारिक पा रहा है, उसके लाभ उसको मिलने लगे हैं। इसलिए जो एक जनमानस में थोड़ा सा आंदोलन टाइप था कि GST हमारे लिए परेशान करेगा व्यापारी के लिए, लेकिन आज वो शांति है और वो सुकून है। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, हम आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में यूँ तो कई सारे मुद्दे हैं। कोटा की व्यक्तिगत बात करें तो कोटा के लोगों की भावना थी कि हवाई अड्डा यहाँ पर तुरंत शुरू हो, किंतु किन्हीं कारणों से शायद शुरू नहीं हुआ और वो शुरू होना चाहिए, कोटा की एक महती आवश्यकता है। कोटा में कोचिंग के नाम से कोटा शहर जाना जाता है, कोचिंग की वजह से कोटा की आर्थिक रूप से कोटा की प्रगति है, किंतु इस पे GST जो लगाया हुआ है उसके लिए कई लोगों ने मांग की है और मेरा भी उसमें ये निवेदन है कि कोचिंग पे से GST हटना चाहिए। अगर GST हटेगा तो इससे छात्रों को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और छात्र जिस उच्च स्तर की एक शिक्षा अपने आप प्रगति करना चाहते हैं उसको पा सकेंगे।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी जो एक पुलवामा अटैक हुआ है उससे पूरे देश में एक वेव बन गया है और वो वेव कहीं ना कहीं इस चुनाव में रुख दिखाएगा और कहीं ना कहीं वापस पुनः मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार एक नए दौर में, मेरे को ऐसा जो मेरा खुद का मानना वही है कि इस बार बीजेपी की सुनामी होगी और इस तरह से भर के वोट आएंगे कि पुनः एक पूर्ण बहुमत की मोदी के नेतृत्व में सरकार आएगी। सर एकदम कोई नई चीज़ आती है तो हर व्यापारी परेशान होता है, किसी भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट में आने में टाइम तो लगता ही है, बाकी वो सिर्फ एक 2 महीने का प्रोसीजर था, उसके बाद में आज पूरा व्यापार बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वतः चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं किसी व्यापारी को। मैं अच्छे मोदी जी की लहर है, अच्छा है, उनका लगेगा इस बार मोदी जी आएंगे। नोटबंदी और GST से व्यापारी उभर गया है, अब थोड़ी सी समस्या ये रह गई है, पहले हम GST ग्राहक से वसूल करके और जमा कराते थे, अब हमें एडवांस GST देनी पड़ रही है, उसमें थोड़ा लागत में हमें थोड़ा फर्क आया है, लागत एडवांस लगानी पड़ रही है बिजनेस में। इसमें अगर गवर्नमेंट बैंकों से ऋण कम परसेंट में देना व्यापारी को चालू कर दे तो व्यापारी वापस उभर सकते हैं, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मोदी लहरी है, मोदी लहरी चलेगी। क्या क्या जो फैसले हैं उनके आपको ठीक लगे, क्या बदलाव आपने महसूस किया जो आपको नज़र आता है आज बाजार में, नज़र आता है व्यापार में, नज़र आता है? बदलाव तो यही है, साफ़ सुथरा काम, GST से मार्केट का बिजनेस करने का तरीका एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया और बिल्कुल क्लियर हो गया है, विजन क्लियर हो गया है और हवा को कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 2 नंबर के काम पर भी बहुत कुछ लगाम सी लगी है और काम 1 नंबर का साफ सुथरा हो रहा है। कि कुल मिलाकर के जो व्यापार वर्ग की राय है कि जो व्यापारी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रह करके 1 नंबर के साथ में जो अपना टैक्स फेल कर रहे हैं, नियमों के साथ में चल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, और GST और नोटबंदी से आज जो बाजार है वो जो तमाम समस्याएं शुरुआती दौर में थी उन सबसे बाहर आ गया है और GST का जो सिस्टम है वो अब एक रूटीन सिस्टम में एप्लीकेबल हो गया है, तो ऐसे में अब जो दिक्कतें उस समय में आया करती थी वो अब नहीं आती। और ये जो व्यापार वर्ग की राय है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम ने बाजार के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी जो लाने का काम है वो किया है। मरुधरा के मूड को टटोलने की कोशिश है तो मूड टटोलते हैं अन्नदाता का, उस किसान का जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। किसानों से बात करते हैं इस वक्त, कोटा की भामाशाह मंडी में हम हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं और किसानों से बात करके उनके मन को जानने की कोशिश करते हैं। साहब इस साल चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में क्या लगता है कितना समृद्ध हुआ किसान? किसान समृद्धि तो क्या, ये जो सरकारें बनी है अब तक आज़ादी के बाद, इन्होंने कभी किसान की सुध ली नहीं है। पिछले 4 साल में जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो उपाय किए हैं वो प्रशंसनीय हैं। क्या लगता है साहब, क्या किसान की आय को दोगुना करने की बात की जाती है, क्या उसको और बढ़ रहे हैं जिधर किसान की जो आय है वो दुगनी होती हुई दिख रही है? हाँ, मोदी सरकार में हो रहा है ये तो बेकार सरकार है, बिल्कुल 25 कुंटल तोड़ रहे हैं जबकि 50 कुंटल तो कम से कम तोड़ना। कहाँ, प्रदेश सरकार की बात? हाँ, प्रदेश सरकार की, मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। क्या कमियां नजर आ रही है? अभी समर्थन मूल्य को लेकर क्या आप लोगों का विरोध भी चल रहा है क्या? नहीं, विरोध है, 25 कुंटल तोड़ रहे हैं जबकि 50 कुंटल तोड़ना चाहिए ना। चने में भी यही हो रहा है, अभी गेहूँ में भी यही होने वाला है, वो तो क्या है, क्या लगता है साहब, क्या हालत है? अभी किसानों की एक समस्या सबसे बड़ी ही आई है, एक तो अंगूठा लगा के ऑनलाइन करना, उसके बाद इन्होंने सरकार ने अभी एक और निकाला है डाटा कि किसान ही आएगा, वही किसान आएगा जिसकी ज़मीन है और वही यहाँ अंगूठा लगाएगा, उसके बाद उसका बिल पेमेंट होगा। अब आप ये देखिए, एक वृद्ध किसान है, औरतें हैं, फिर सरसों तो तुल गई, अब बिल बनाने में 3 दिन तक यहाँ बैठा थोड़ी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, किसानों का माल 25 कुंटल मात्र तुलेगा तो कम, किसानों का तो पूरा माल तुलना चाहिए वैसे, क्यों, किसान कहाँ जाएगा, इतना घाटा भुगत के किस जगह जाएगा, है ना, तो किसान का पूरा माल तुलना चाहिए, ये सरकार को तय करना चाहिए। क्या लगता है, क्या हालात है किसान? मतलब ये जितने भी पेचीदा खरीदारी में जितने भी पेचीदा इन्होंने नियम कानून लगा रखे उनका सरलीकरण किया जाए, बायोमेट्रिक वो अंगूठे का, मॉइस्चर का,
ये जितना भी है ये क्वांटिटी का, ये सारी चीजें किसानों के लिए बेहद ही परेशानीदायक है। अगर 30 क्विंटल माल लेके आएगा किसान और सरकार 25 क्विंटल खरीदेगी, 5 क्विंटल लेके वो जाएगा कहाँ? तो कम से कम जो किसान उपज लेके आए वो तो पर्याप्त मात्रा में खरीद। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ क्या किसानों को मिल रहा है? क्योंकि किसानों के लिए कई सारी योजनाएं आ रही हैं, तो क्या उनका जो लाभ है वो ग्राउंड पर मिलता दिख रहा है? नहीं, केंद्र सरकार का तो मिल रहा है। जैसे हर किसान के खाते में अभी मोदी जी ने 2,000 रुपये डाले, हर किसान की जो समर्थन मूल्य की जो बात हो रही है उसमें भी जो है सेंटर गवर्नमेंट तो अच्छा कर रही है, लेकिन राज्य सरकार का अभी जो योजनाएं चल रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। क्योंकि अभी सरसों की बंपर पैदावार है, चने की बंपर पैदावार है, अब उसको आप लोगे ही नहीं, या तो आपने इतने नियम बना दिए कि आपको लेना ही नहीं है, तो सरकार मना कर दे कि हम नहीं ले रहे। अब आप लेने का नाम भी कर रहे हो और ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात कर रहे हो, तो ये तो कोई किसान इस पे बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं अच्छी चल रही है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आज की जो सरकार है वह किसानों की बड़े बड़े वादे किए थे। सरकारी का वादा ले लो आप, 50,000 रुपये तो वसुंधरा जी ने माफ़ कर दिए थे, 17,000 रुपये इन्होंने सरकारी में दे रखे हैं, कितने माफ़ किए ऊपर के 20,000 रुपये, जबकि 2,00,000 रुपये का ये कहा था, यूं उंगलियां गिनाई थी, 10 दिन में आपका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। क्या 10 दिन में किसान का कर्जा माफ़ हो गया? बहुत बड़ी बात है, वादे करना बहुत सरल है लेकिन निभाना बिल्कुल बड़ी बात है साहब, कि वादे करना, जब चुनाव आते हैं तो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद में उन वादों को भुला दिया जाता है। फिलहाल कोटा में किसानों की जो तकलीफ है वो सबसे बड़ी ये है कि समर्थन मूल्य पर जो अनाज है, सरसों है, चना है, गेहूँ है, उसकी जो खरीद है वो चल रही है, लेकिन जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि समर्थन मूल्य सरकारी केंद्रों पर जो खरीद है वो नहीं हो पा रही है। किसान वहाँ पहुँच करके भी जो अपना अनाज है उसको नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि नियम और कायदे हैं वो इतने पेचीदा हैं कि उनको जो किसान है वो नहीं निभा पा रहे, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। ऐसे में किसानों को जो राज्य सरकार का की ओर से जो मंडियों में खरीद केंद्र खोले गए उनका जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा, इसको लेकर के किसान परेशान है। मजबूरन उनको आढ़तियों के पास में जाना पड़ रहा है और 1,000 रुपये क्विंटल तक कम दाम में जो अपना अनाज है वो बेचना पड़ रहा है। बात हर तबके की हो रही है तो बात उस तबके की भी जो कानून का ज्ञाता कहा जाता है, लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिर अधिवक्ताओं की राय क्या है वो हम जानने के लिए पहुंचे हैं और कोटा के जो अलग अलग अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले आपके साथ में जानना चाहें कि इलेक्शन ईयर है, चुनाव है, तो आप लोगों की राय क्या है, क्या जो मुद्दे हैं वो मेनली इस वक्त जो चर्चा में रहने वाले हैं, जो हावी रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो देश में बेरोजगारी का है और बेरोजगारी की समस्या को हल करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार है, मेरा यही कहना है। ओके, मैं आपसे बात करूं तो जो इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में वकीलों का जो मूड है वो किस तरह से देखूं मैं, क्या क्या जो मुद्दे हैं वो इस बार हावी रहने वाले हैं, क्या लगता है इस बार आपके नज़रिए से? आगे हमारा जो प्लान है वो केवल और केवल वकीलों के वेलफेयर और वकीलों के हित में कार्य करने का है। निश्चित रूप से वकील समुदाय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठने की जो है व्यवस्थाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा सरकार से नाखुश है। सरकार पर हम इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए दबाव डालेंगे कि वकीलों के चैम्बर्स बने, एक ही छत के नीचे सभी न्यायालय कार्य करें। चुनावों की बात करें वैसे तो आपकी जो पहचान है वो अलग है, एक तरफ तो आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ एक अधिवक्ता भी हैं, तो फिलहाल मैं अधिवक्ता होने के नाते, बीजेपी के जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं, अगर आपकी भाषा में समझूं तो आप यहाँ पर अधिवक्ताओं की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो लोकसभा चुनाव का माहौल क्या नजर आता है आपको? वकीलों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आप ही देखेंगे कि वकील हर परिस्थिति में चाहता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे,
हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति होती रहे, और उस दिशा में यहाँ का हर वकील चिंता करता है, चर्चा करता है, और इसके कारण से हम ये बताते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं मोदी के पक्ष में एक अनुकूल वातावरण है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज देश का युवा और देश का वकील एक ही दिशा में सोच रहा है, और जब देश का युवा और देश का वकील एक ही दिशा में सोच रहा है तो ये देश निश्चित रूप से आगे बढ़ के जाएगा। मौजूदा सरकार में काम काफ़ी सारे हुए हैं, सरकार ने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे प्रयास भी किए हैं, लेकिन कुछ असफलता सरकार के हाथ लगी हैं, जिसका परिणाम भी हमने देखा, कम सीटें मिली, चुनाव हारना पड़ा, कुछ लोगों में पीड़ाएं थी, कुछ मन में बातें थी उनकी, जिनका पूरा निराकरण नहीं हुआ। हो सकता है वर्तमान सरकार, आने वाली सरकार इन मुद्दों को ख़त्म कर दे, और स्थानीय मुद्दे, जैसे हमारी बाहर का ही मुद्दा सबसे बड़ा है, हमारे बैठने की समस्या है, हमारे पानी की व्यवस्था है, हमारे पंखों की व्यवस्था है, हमारे चैम्बर्स की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति पिछली सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और तो अगर हम चाहेंगे इस सरकार पर दबाव बनाकर, हमारी बात रखकर, हमारे प्रयासों से इन कार्य को करें। कोटा के मूल को जानने की कोशिश है। फिलहाल सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं, लोकसभा चुनाव का जो फीवर है वो चढ़ा हुआ है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं? तो ऐसी महिलाएं हमारे साथ में हैं जो गृहिणी तो है ही, साथ में वर्किंग वुमेन भी हैं, और पूरा एक जो ग्रुप है वो इस वक्त हमारे साथ में है। तो इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। साहब, लोकसभा चुनाव फिलहाल तो कैंडिडेटों की घोषणा भी शुरू हो गई है, तो क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है? अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है बहुत जल्दी ही, और हमारे कोटा में श्रीमान ओम जी बिरला साहब को टिकट मिला है, और झालावाड़ से भी वसुंधरा जी के सुपुत्र दुष्यंत जी को टिकट मिला है, और हम तो अपेक्षा करते हैं कि जैसे बिरला जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है कोटा की जनता के लिए, तो इसी तरह आगे बढ़ते रहो, सीएम पद तक पहुंचे वो, ये हमारी अपेक्षा है। चलिए, आपको क्या लगता है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, किन को लेकर के इस बार जब आप लोग जाएंगे तो वोट करेंगे? कई सारे लोकल इश्यूज हैं, लाइक फ्लाईओवर है, कोटा में फ्लाईओवर बना है, तो एक अच्छी सोच के जरिए उन्होंने फ्लाईओवर बनाया है, उसके तहत भी हम पार्टी को डिसाइड करते हुए वोट दे सकते हैं। और जैसे बीजेपी पार्टी है तो हम मोदी जी को हम पर्सनली वोट देना चाहेंगे, दोबारा एक बार फिर से मोदी जी की सरकार चाहेंगे। वजह है क्योंकि बहुत ऐसी स्थितियाँ थी, अभी अपनी सेना की बात करें तो बस हम वो हाथ से देखा ही करते थे, आज इस बार हमने उसका मुंह तोड़ जवाब देखा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा नेता ही हमारे साथ होना चाहिए कि हम सिर उठा के अपने देश में क्या पूरे विश्व में खड़े हों। चलिए, क्या हमारे देश का नेता वही होना चाहिए जो हमारे देश का अच्छा करे, लाइक मोदी जी। जैसे मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा वर्क किया है, तो हम चाहेंगे आगे भी हमारे देश में का फ्यूचर अच्छा हो, तो उसके लिए मोदी जी जैसा ही लीडर हमें चाहिए। किचन को लेकर के अगर मैं चर्चा करूँ, वर्किंग वुमेन है, तो क्या बदलाव देखा है, किचन पर कितना इफेक्ट पड़ा है अगर बात करूँ? महंगाई तो जैसे थी वैसी ही है। जो सब्जी का थैला लेकर के जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितना उस पर कुछ इफेक्ट आया, कुछ इम्पैक्ट आया, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या बड़ा ही है, कम तो नहीं हुआ है। तो सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि किचन में कुछ हमें वो मिला हो, तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा, तो मतलब रेट हमेशा बड़े ही हैं, कम नहीं। एक बात बताइए मैम, रिजर्वेशन को लेकर के क्या सोचना है, क्योंकि एक बड़ा इश्यूज है, रिजर्वेशन को लेकर के क्या रहा है? मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। रिजर्वेशन जो है वो हमारे समाज को बहुत पीछे ले जाने का काम कर रहा है, और मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट में हूँ। वही लोग आगे आने चाहिए जो वास्तव में हकदार हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो इसके लायक है वही व्यक्ति आगे आए। रही बात चुनाव, लोकसभा चुनाव की, तो हम चाहेंगे कि दोबारा मोदी सरकार हो, दोबारा मोदी तो हो, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया है, जो कि है टॉयलेट्स। इसके बिना लेडीज़ के लिए ज़िंदगी बहुत कुछ अधूरी थी, और इस पर इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो मैं चाहती हूँ दोबारा ये फिर से आए। मैम, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के बात करें तो किस तरह का चेंजेस देखने को मिला है? कोटा की बात करें, कोटा के एटमॉस्फेयर की बात करें, नहीं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भी आज चाहे सुबह हो या रात हो, कभी भी आप
जाओ, सुरक्षित माहौल है, आराम से यहाँ पर जॉब करने वाली लड़कियाँ भी है, कामकाजी महिलाएं भी हैं, वो जाती है समय पर आती है, बाहर से आने वाले हैं, यहाँ पर इतने हॉस्टल्स वगैरह है, गर्ल्स आकर के यहाँ पर रह रही है, लेकिन अच्छा माहौल है, पढ़ने के साथ साथ बाहर का भी काफ़ी अच्छा माहौल है उनको मिला है, और आगे वो बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, और ये सब मोदी सरकार के उसमें ही हो सकता है। वुमेन सिक्योरिटी पर आप क्या कहेंगे? वुमेन सिक्योरिटी के बारे में जितना मुझे नॉलेज है, कोटा में सिग्मा टीम है, सिग्मा जो कि हमारी पुलिस सिक्योरिटी है, उसमें फीमेल जो कैंडिडेट है वो वर्क पे रहते हैं, मतलब कहीं भी उन्हें लग रहा होता है कि क्राइम हो रहा है तो वहाँ वो एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से कोटा में ये सेफ्टी आई है। एयर कनेक्टिविटी में अब कोटा में एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उसके अलावा हमें भी जाने के लिए जयपुर इंदौर से फ्लाइट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें 5 आवर्स के लिए पहले ट्रेन से जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें फ्लाइट मिलती है। तो अगर यहाँ पे एयरपोर्ट होगा तो हमें कहीं से भी जाना आना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल वर्किंग वुमेन होने के साथ में कई ग्रुप से भी आप जुड़ी हुई हैं, किचन को लेकर के बात करें तो किचन कैसी चल रही है? मोदी मतलब अगर मैं ये चाहूँ कि किचन को लेकर के ही आप अगर फोकस करें, वर्तमान समय में महंगाई पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है और किचन का सब पर रूटीन बहुत अच्छा हो गया है। अभी थोड़ा सा गर्मी के कारण वापस महंगाई शुरू होगी सब्जी वगैरह में, बाकी दालें वगैरह जो महंगी चीज़ें मिलती थी बहुत ज़्यादा हो गई थी महंगाई, अब इस वाली सरकार में सब संतुष्ट है, गरीब वर्ग भी अच्छे से खा पी सक रहा है और जो अमीर वर्ग है उनका भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वैसे उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इस गरीब महंगाई कम होने से सभी में अच्छा संतुलन चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि यदि देश को अच्छा चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो मैं वंस अगेन मोदी जी को ही सपोर्ट करूँगी। महंगाई कंपैरेटिवली वैसी ही जैसे पहले थी, पहले हमारे संसाधन कम थे, आज संसाधन उतने ही हैं, तो महंगाई अगर कही जाए तो वो स्टिल एज इट इज चली जा रही है। लोकल डेवलपमेंट तो काफ़ी कुछ हुआ है, पिछली बार के जो 5 साल के हमारे ओम बिरला जी का कार्यकाल रहा है उसमें काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। एक मैं नेशनल इशू को लेना चाहूँगी, आज हमारे महिला सशक्तिकरण के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, जैसे कि आज हमारे देश के जितने भी सर्वोच्च पद हैं, हमारी रक्षा मंत्री आज एक महिला है निर्मला सीतारमण, हमारी विदेश मंत्री आज एक महिला है, लोकसभा स्पीकर एक है, यानी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। एक मोदी जी हमारे यूथ की सोच को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, तो मेरा वोट मोदी जी को। और कि तमाम मुद्दों पर, महिला सुरक्षा से लेकर के किचन तक, किचन से लेकर के रिजर्वेशन तक, तमाम जो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हुए हैं, उन पर ये वर्किंग वुमेन, ये गृहिणियाँ, जिन्होंने अपनी राय को पूरी तरह से बेबाकी से रखा। तो देखा आपने, सुना आपने, जाना आपने कोटा की राय को, जाना आपने कोटा के मूल को, आखिर क्या कहता है 2019 के लिए कोटा। हर तबके के पास पहुंच करके हमने उनके मन को टटोलने की कोशिश की, उनको खंगालने की कोशिश की, उनको जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मन के अंदर क्या है, किन मुद्दों को लेकर के वो लोकसभा चुनाव में इस बार जाने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में हावी रहने वाले हैं। पूरी तरह से, पूरी बेबाकी से कोटा की जनता ने बताया अपनी राय को। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर किसी और जगह से होगा हमारा खास कार्यक्रम मरुधरा का मूड। नमस्कार।